हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। जैसा कि हमारा वीकली जो टारगेट चल रहा है, जिसमें हम लोग 70 बीपीएससी को लेके वीकली हम लोग एक टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। किस तरह से हमें पढ़ना है और हर एक चैप्टर में कौन से चीज़ों पर ध्यान रखना है जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण है ना, तो अच्छे तरीके से बाइफरकेशन करके हम लोग पढ़ रहे हैं चीज़ों को। तो वीक टू का टारगेट मैंने दिया था जो आप लोगों को संडे तक करना है। तो मैंने उसमें जो भी हिस्ट्री के टॉपिक्स दिए थे, जैसे कि उसमें आपके महाजन पद तक आपको पढ़ना था। तो आज इस वीडियो में, ये बहुत छोटा वीडियो होगा और बहुत ही कॉन्साइज, आप बोल सकते हैं कि ये वीडियो आपका 45 मिनट का ही होगा, बट 45 मिनट में आप ये तीन चैप्टर, यहाँ पे आज हम लोग स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपका वैदिक एज, ये तीनों को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। हर एक एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके जो आपके MCQ फॉर्मेट में अगर सवाल आएंगे तो आप ये वीडियो देख के ही आप सारे उत्तर कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो कहीं से उठा के बनाइएगा, सवाल आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो क्विक रिवीजन के लिए भी है। जैसा कि अभी पॉलिटी, फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा वो पॉलिटी के ऊपर वीडियो आएगा। पॉलिटी में जहाँ तक मैंने बोला है पढ़ने के लिए, वहाँ तक के महत्वपूर्ण फैक्ट्स के ऊपर वीडियो। ऐसा नहीं है ये पूरा डिटेल क्लास नहीं है, डिटेल क्लास इन द मीन्स कि इस तरह के क्लासेस नहीं चलेंगे, कि लंबा लंबा क्लासेस नहीं चलेगा। और सारा भी ऐसा नहीं है कि जो जो मैं टारगेट दूंगा आपको, बिल्कुल टारगेट, वो सबका भी वीडियो नहीं आएगा। ये आप मतलब आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं सारा चीज़ का वीडियो लाऊंगा। हाँ, जो चीज़ जरूरी है, मान लेते मेंस के लिए कोई चीज़ जरूरी होगा तो उसका वीडियो आएगा, है ना। प्रीलिम्स के लिए कि नहीं, ये चैप्टर ज़्यादा ही लोग इसको मैं इसमें घुस जाते हैं पढ़ने लगते, तो उसको मैं तो शॉर्ट कर करके चीज़ें यहाँ पे आपको आएगा, जो कि एग्जाम मतलब फॉर द प्रीलिम्स बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला वीडियो आज वाला, है ना। मेंस के लिए कुछ कुछ वीडियो आएंगे जो कि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिस पेपर वन को लेके, तो उस तरह के आपके यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, आप देख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग करेंगे, पहला बात तो आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। जाहिर सी बात है कि प्री हिस्टोरिक जिसे प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, और प्रो हिस्टोरिक जिसको हम आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं, और इसको ऐतिहासिक बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्री हिस्टोरिक मतलब वही हुआ जहाँ मतलब कोई भी यहाँ पे लेखन कला का ज्ञान है ही नहीं, लेखन कला का ज्ञान नहीं, लेखन कला का ज्ञान इन द सेंस ये हुआ कि यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में हमें किसी भी तरह का लिटरेरी एविडेंस नहीं मिला, किसी भी तरह का हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला। हमें इस, हमें यहाँ पर जो भी यहाँ पे वस्तु मिले, पत्थर मिले, उनके अकॉर्डिंग ही हम उनके इतिहास को पढ़ सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कोई भी लेखन कला का साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए हम लोग इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टोन एज इसमें आता है। ठीक है, फिर आप आगे आइएगा तो आदि ऐतिहासिक काल आएगा जिसमें हम लोगों को मिला, मीन्स हम लोगों को लेखन कला, मीन्स इट मीन्स कि यहाँ पर लोगों को लिखने का ज्ञान आया, लेखन कला यहाँ पे आप लोगों को डेवलप हुआ, यहाँ पे नहीं था, बट उसको हम पढ़ नहीं पाए, मीन्स उसकी लिपि को आज तक हम लोग डिसिफर नहीं कर पाए, मीन्स उसकी लिपि को हम लोग क्रैक नहीं कर पाए, जैसे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये आपका प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखिए, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। उसके बाद ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, जो कि आज तक हमारा जो ऐतिहासिक में आ जाएगा, है एंसेंट इसमें आएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं याद रहेगा, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हम लोग, चलिए स्टोन एज को करते हैं। स्टोन एज जैसा कि आपका चैप्टर में है, स्टोन एज बस एक दो स्लाइड, स्टोन एज खत्म। अच्छा, स्टोन एज के बारे में आप क्या जानते हैं कि पत्थर का सामान इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे लाइफ स्टाइल था वो कहीं ना कहीं पत्थरों से जुड़ा था, इसलिए स्टोन एज बोला गया, पूरा पाषाण काल बोला गया। ठीक है, पाषाण काल को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण जिसको पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण जिसको मेजोलिथिक, नौ पाषाण जिसको न्यूलिथिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, जो इंग्लिश वाले हैं वो भी, उनको, उनके लिए भी मैंने यहाँ सब चीज़ें लिख दिया, हिंदी वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पैलियोलिथिक एज में तो सबसे पुराना वाला, मीन्स जब मैंने एनसीईआरटी क्लास छठा पढ़ा तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में लोग क्या थे, हंटर गैदरर में, कि वो आखेटक और खाद संग्रह के वो शिकार करते थे और जो फूड था उसको जमा करते थे, है ना, तो वो काम करते थे। तो मैंने लिखा आखेटक एवं खाद संग्राहक, और यहाँ पर जो
इस्तेमाल हुआ पत्थर, वो कोर पद्धति का इस्तेमाल हुआ, फ्लेक पत्ते का, एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया उसको पटक दिया, उसका जो छोटा जो पत्थर हो गया वो कोर पत्थर कहलाया, फ्लेक जो उसके जो छीटे मतलब उसके जो टूटे हुए भाग जो वो फ्लेक पत्ती बोला गया, ठीक है, पीबुल पत्ती भी कहीं कहीं मिलता है, तो इट में भी हो सकता सवाल आ जाए, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कॉटाज के पत्थर इस समय इस्तेमाल हुए है ना, कॉटाज के पत्थर इस्तेमाल हो गए। फिर देखिए आगे मध्य प्रशांत में हम लोग आएंगे, तो वहाँ पे पत्थर छोटे छोटे माइक्रोलिथ कहलाएंगे, है ना, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका। तो अब देखिए यहाँ पे कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल हुआ है, हैं, कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। अति पक्कम करके तमिलनाडु में जगह है, वहाँ से आपको हैंडेक्स का साक्ष्य मिला है ना, कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। ओके, यहाँ पे लोगों ने आग आग भी चलाना सीख लिया है, आग भी जलाना सीख लिया है यहाँ पर लोगों ने, इसलिए जो आपके कुरनूल कैप्स है वहाँ पर आपको आपको देखने को मिलता है आग का, ठीक है। फिर होमोसैपियंस मानव का उदय हुआ, उसके बाद आपको कुछ एरिया है जो पैलोलिथिक साइट्स के एरिया है, पोटवार प्लेटू आपका है, फिर हथनौरा जहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन एविडेंस या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे खोपड़ी का भी साक्ष्य मिला है, इंडिया में पहली बार ह्यूमन एविडेंस है, वो आपको कहाँ मिला है, तो हथनौरा जो क्यों नर्मदा घाटी में है ना, नर्मदा घाटी मीन्स एमपी में। देखिए भीमबेटका जहाँ पे रॉक पेंटिंग है ना, रॉक पेंटिंग आपको मिला है, और डिडवाना जो कि राजस्थान में है, और सोन घाटी है, बेलन घाटी, ये सारे जो एरिया हैं जहाँ पे आपको पैलियोलिथिक साइट देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको पैलियोलिथिक साइट देखने को मिलेंगे। तो ये तो चलो ठीक है, सबको याद होता है। फिर हम आएंगे मध्य पसान में, जहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा जैसे होमोसैपियंस मानव का उदय हुआ, तो लोगों ने पशुपालन करना स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पहला जो कुत्ता को बनाया गया है ना, वाइल्ड डॉग को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आइस एज समाप्त हुआ, आइस एज में बर्फ पिघलना स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन, धीरे धीरे तालाब आए है ना, और खेती, और हम देखें कि छोटे छोटे जो मछली हो गए, छोटे छोटे जीव की भी उत्पत्तियां हुई है ना, जब घास वास हुआ। तो अब छोटे छोटे जीव है, बहुत छोटा जीव है, उसको मारने के लिए इतने बड़ा पत्थर उठाकर तो नहीं फेंक सकते, तो छोटे छोटे पत्थर भी इस्तेमाल होने लगे। हाँ, तो वो पत्थर हमारे क्या कहलाए, माइक्रोलिथ कहलाए, माइक्रोलिथ कहलाए, इस बात को आपको ध्यान रखना छोटे जीव के लिए। फिर आगे हम जो चलेंगे, तो यहाँ पे तो पशुपालक हो ही गया है ना, पशुपालक हो गया, ओके, पशुपालक हो गए। तो पशुपालक इसलिए हो गए कि वो जानवर का इस्तेमाल बहुत मायने में करते थे, खाने के मायने में भी और सुरक्षा के मायने में भी करते थे। ओके, फिर यहाँ पे दो जगह हैं जो आदमगढ़ एंड बागोर, आदमगढ़ जो डेट इज इन एमपी, बागोर जो कि राजस्थान में, दो ऐसे जगह हैं जहाँ अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या डोमेस्टिकेशन का पहला साक्ष्य, पशुपालक का पहला साक्ष्य जो मिला आपको आदमगढ़ एंड बागोर में। बहुत बार पूछा, दसों बार पूछा इस सवाल को, आप कोई भी प्रीवियस उठा के देख लीजिए घटना चक्र, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सराय नहर और मदहाहा दो जगह हैं जो मेजोलिथिक एरिया, मेजोलिथिक पीरियड की जगह एमपी में है, सराय नहर, सॉरी यूपी में, सराय नहर और मदहाहा, ठीक है, ये दो जो एरिया हैं ये आपके यूपी उत्तर प्रदेश में है, और ये दोनों मेजोलिथिक पीरियड के मतलब टाइम पीरियड के, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे नौपसान न्यूलिथिक क्यों बोला गया, क्योंकि ये एक क्रांति है, ये रिवोल्यूशन है, ये क्रांति है, रिवोल्यूशन है, क्योंकि लोग अब सीधे खा नहीं रहे हैं, लोग उत्पादन कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे लोगों को खेती का ज्ञान हुआ, तो इसको इसलिए क्रांति का काल बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड को, है ना, न्यूलिथिक पीरियड को। यहाँ पे कृषि का ज्ञान हुआ, अब जब लोगों को पोल्ट्री बनाना विस्तार किया, लोगों ने मित्र भांड भी बनाना स्टार्ट किया, मीन्स लोगों ने अनाज रखने के लिए अलग अलग छोटे छोटे मटके मिट्टी के बनाना स्टार्ट किए, मित्र भांड बोले गए। लोगों ने व्हील का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि एक सामान को दूसरे जगह पर ले आना, तो व्हील का इस्तेमाल, और पॉलिश टूल, इस समय जितने भी आपके औजार मिले हैं न्यूलिथिक पीरियड में, वो बहुत ही पॉलिश्ड है, बहुत ही शार्प है, तो लोगों के पास ज्ञान आया, बहुत ही शार्प एकदम मतलब नुकीला। तो ये जो पॉलिश आप देख सकते हैं, ये पॉलिश टूल का इस्तेमाल यहाँ पे नवपाषाण काल में हुआ, तो ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये जो एरिया है, ठीक है, इस जो ये सारे मैप पे एरिया है, जो ये हम एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पे डाला है, और कोई भी एग्जाम हो, एक्स वाई जेड जितना भी एग्जाम हो, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आया है, आप उठा के पेपर देख लेना, ठीक है, आप उठा के पेपर देख लेना, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आया है। सो डैट आपको ये पूरा वीडियो को पॉज करिए, और ये पूरे स्थल, उनके जो उनका जो खासियत है वो आपको याद होना चाहिए। ये मैप मैंने बता दिया पहले से, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हाँ कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि मेहरगढ़ है जहाँ पे सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलेगा आपको, मेहरगढ़ से। अच्छा, मेहरगढ़ में कुछ जो घर मिले हैं उनका उनका शेप कैसा मिला, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ये भी पूछेगा। मेहरगढ़ में सबसे पहली बार कॉटन जो आपका है इसका इस्तेमाल हुआ था, कॉटन का खेती स्टार्ट हुआ था 7000 ईयर अगो, मीन्स आज से 7000 साल पहले कॉटन का इस्तेमाल, एनसीईआरटी का ये लिखा 7000 ईयर अगो, तो ये पूछ सकता है। ओके, उर्जहोम और गुफकराल के बारे में बता चुका हूँ, उर्जहोम जो है वो कब ग्राह मिले हैं, और जिसमें मालिक डॉग भी था मतलब ऑनर, ठीक है।
ये दोनों जम्मू कश्मीर में गुफ कराल में जो है पीट हाउस मिले हैं ना, कोल्डीवा यूपी में है जो कि राइस कल्टीवेशन, ओके सारे न्यूलिथिक साइट्स हैं। दजोली हेडिंग जो कि असम में है, पेमपाली जो कि तमिलनाडु में है, चिरान जहाँ से आपके बोन टूल्स मिले हैं जो कि सारण बिहार में है, संगकुलू जहाँ पे राख का ढेर मिला कर्नाटक में, ऑल दिज आर द न्यूलिथिक साइट्स। और फिर उसके पैरोलिथिक साइट्स में आएंगे तो हम क्या आएंगे, भीमबेटका जैसे मैंने पहले बता दिया गुफा चित्र, बेलन घाटी मैंने बता चुका हूँ, मैं पोटवार का पठार भी बता चुका हूँ, ओके वही चीज़ है। फिर कुछ मेजोलिथिक साइट दोनों मैंने बता दिया है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना। हाँ, इस मैप में एक चीज़ ध्यान रखें, इनाम गाँव जो कि आपके एक मेगालिथिक साइट्स है ना, महापसान जहाँ पे पत्थर बड़े बड़े पत्थर को करके बीच में मनुष्य को मतलब कोई भी उनको दफनाया जाता था, वो मेगालिथिक साइट्स आपको इनाम गाँव में मिले हैं ना, इनाम गाँव में आपको मिलने हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको मैप याद रखेंगे तो बहुत कुछ आराम से बनेगा। कुरनूल की गुफाएं जहां से राख का ढेर मिला है, हुनसंगी है जहां से बहुत ज्यादा संख्या में आपके पसान के उपकरण मिले हुनसंगी में, है ना, तो ये सब ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, चलिए ठीक है। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी देखा होगा तो आपको पता चलेगा, तो ये हमारा स्टोनेस से इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा, स्टोनेस इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा, ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब क्या हमारा आ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीन स्लाइड इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला गया, क्यों सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी, कहीं कहीं सरस्वती नदी सरस्वती घाटी सभ्यता ये बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा पहला स्थल खोजा गया है ना। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एज देखिए, टाइम पीरियड देखिए, 2350 से लेकर 1700, ठीक है, 1350 से लेकर 1700 तक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करेंगे कनिंगम, जॉन मार्शल, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े लोग हैं, जॉन मार्शल की अगुवाई में ही सिंधु घाटी सभ्यता का खोद मतलब कहने मतलब खुदाई हुआ। स्टार्टिंग में कनिंगम थे तो उन्होंने मतलब कहने मतलब खुदाई तो नहीं हुआ बट फिर ठीक है। फिर उसके बाद जब रेलवे लाइन बिछा तो कनिंगम थे, फिर जॉन मार्शल जब खुदाई करना स्टार्ट हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में यही टाइम पीरियड को 4700 साल पहले बोलता है, ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व बोलता है, ईसा पूर्व में लगाया, हम लोगों ने इसमें ईसा पूर्व लगाया है, 2350 से 1700 ईसा पूर्व, जो कि आपका कार्बन डेटिंग से निकाला गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी थी और लोग यहाँ के व्यापारी थे, हाँ ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं है, कैसी शहरी सभ्यता है, ओके। यहाँ की जो पोटरीज मिले हैं वो ब्लैक पोटरी, रेड ब्लैक पोटरी मिले, मतलब आपका बेसिकली रेड पोटरी मिले हैं उसे ब्लैक ब्लैक आपके मतलब कहने का मतलब कि चित्रकारी किया है, लाइनिंग है। तो यहाँ के जो मिंद्रवान मिले हैं रेड ब्लैक मिले तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ के लोगों को आयरन का ज्ञान नहीं है, आयरन का टूल इस्तेमाल नहीं किए हैं इसलिए आयरन का ज्ञान नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल ज़्यादा किए हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैप है वो त्रिभुजाकार है जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसके नॉर्थ में आपका सबसे जो नॉर्थ स्थल है वो मांडा चेनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में, ओके। ईस्ट में आपका आलमगीरपुर जो कि आपका हिंडन नदी किनारे यूपी में, वेस्ट में आपका सुतकांगाडोर जो कि दासक नदी किनारे आपका पाकिस्तान में मतलब बलूचिस्तान में पाकिस्तान में, और यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा दायमाबाद, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दायमाबाद, दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है और वो परवरा नदी के किनारे, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि अफगानिस्तान में है, मुंडीगाक और सुतुगई, दो ऐसे स्थल जो कि अफगानिस्तान में मिले हैं और वो है मुंडीगाक और सुतुगई। मुंडी पूछा गया एग्जाम में कि मुंडीगाक स्थल कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि वो यूनिक है, मतलब वो अफगानिस्तान में दो ही स्थल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पहले समझेंगे कि टाउन प्लानिंग, सिंधु घाटी सभ्यता का टाउन प्लानिंग के लिए फेमस, सारे रोड 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, सारे जो आपके शहर बसे हैं वो ग्रिड पद्धति पे बसे हैं, जैसे चंडीगढ़ आज का देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषता थी कि पश्चिम वाले शहर ऊंचाई पे थे जिसको दुर्ग बोला गया, सिटेडल बोला गया, और जो पूरब वाले शहर थे वो नीचा पे था और थोड़ा जनसंख्या भी ज़्यादा था और ज़्यादा बड़ा था, उसको निचला शहर या दुर्ग या उसको नगर बोला गया, ठीक है, केवल नगर बोला गया। ध्यान रखेंगे मैंने ये पहले भी करवा चुका हूँ, कुछ ऐसे स्थल थे जिनके दुर्ग में बाउंड्री था, दुर्ग में आपके रक्षा प्राचीर देखने को मिलेगा, केवल दुर्ग जो है वो घिरा हुआ है, बाउंड्री मारा हुआ सुरक्षा के मामले को लेके, है ना, पक्की ईंटों से, और वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि दोनों आपका दुर्ग
और आपका नचल शहर, ये दोनों एक ही बाउंड्री में मारा हुआ है, वो है लोथल और सुरकोटदा। लोथल और सुरकोटदा मैंने याद कराया था, गुजरात के लोग मिलनसार होते हैं, इसलिए दुर्ग और जो दुर्ग और निचला शहर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर में है। फिर मैंने बताया था कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और राजाओं का शहर, तो यहाँ पे मतलब याद कराने का एक मतलब जरिया है, जहाँ पे आपके दुर्ग भी अलग और आपके शहर जो निचला शहर था वो भी अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना। और फिर मैंने बताया था कि जो चनहुदरो है जहाँ पे सुरक्षा प्राचीर है ही नहीं, चनहुदरो जो पाकिस्तान में है सिंध प्रांत में, वो क्या सिंधु नदी किनारे है जहाँ पे सुरक्षा प्राचीर नहीं है, मीन्स अलग अलग मतलब केवल दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैंने ऊपर में चनहुदरो लिख दिया है, ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हम लोग, आद्य इतिहासिक काल इसलिए बोलते हैं, और इनकी जो लिपि है उनको हम लोग पिक्टोग्राफ बोलते हैं, मतलब सांकेतिक लिपि, मतलब एक तरह से पूरा फिगर बनाया हुआ मछली का फिगर में, तो इस तरह से लिखा गया है, और जो लिखने की जो स्टाइल है ना, लिखने की जो स्क्रिप्ट जैसे बोलते हैं दाएं से बाएं बाएं दाएं से, तो इसका जो लिखने का स्टाइल है उसको बोलते हैं गोमुत्रिका या वस्त्रोफेदनम। इनके जो लिखने की पत्ति है, जैसे कि जो मान लेते हैं कि ब्राह्मणी लिपि है, तो ब्राह्मणी लिपि को हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं ना, जैसे कि आपको खरोष्ठी आएगा तो बाएं से दाएं से बाएं लिखेंगे, तो ये जो आप समझिएगा, तो इसी तरह से जो गोमुत्रिका है, जो वस्त्रोफेदनम है, इसका लिखने का स्टाइल है, एक बार इधर जाएंगे फिर एक बार इधर जाएंगे, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ओके। तो इस बात को थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है, क्लियर। चलिए हम ध्यान में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, इसके थोड़ा सा हम लोग पहले स्थल को बारे में जानेंगे, है ना, स्थल के बारे में जानेंगे। पहला बात ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला स्थल कौन है, हड़प्पा, जो रावी नदी किनारे है और खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। और यहाँ पे तांबे का इक्का गाड़ी मीन्स कॉपर का एक आपको ब्लॉक काट मिला है, वो ध्यान रखिएगा। स्त्री के गर्भ से पौधा एक ऐसा टेराकोटा का फिगर मिला है, टेराकोटा मीन्स मिट्टी का खिलौना मिला है, जहाँ स्त्री के गर्भ से एक पेड़ को दिखाया गया, जैसे कि जैसे गॉड ऑफ फर्टिलिटी ऐसे करके दिखाया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये मैंने बोला कि जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े तो आप प्लेसेस को ध्यान में रखें ना, प्लेसेस को, जैसे मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु नदी किनारे है, राखलदास बनर्जी और मृतकों का टीला इसको बोलते थे, ग्रेट बात मैंने बता दिया पहले, आप उसके बाद डांसिंग गर्ल एक नर्तकी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, फिर सूती कपड़ा चाकू में लपेटा हुआ, और प्रिस्ट किंग मतलब एक आपका पुजारी देवता, पुजारी राजा के मतलब इस तरह एक मेघ का मूर्ति मिला है, जो तो मुझे लगता है कि जैसे पुजारी भी था और राजा भी था, तो प्रिस्ट किंग का मूर्ति यहाँ से, और मातृदेवी है ना, मातृदेवी मदर गॉडेस का भी आपको यहाँ से साक्ष्य मिलता है, मदर गॉडेस का भी साक्ष्य मिलता है। तो सब बोलते हैं कि ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं वो मदर फीमेल कैरेक्टर की थी, तो इसे माना जाता है कि ये जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, मीन्स मैट्रियार्कल सोसाइटी था, ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। लोथल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है भोगवा नदी किनारे, जो साबरमती का ही आप नाम बता सकते हैं, ये खंबात की खाड़ी में है और एस आर राव के द्वारा इनका खोज किया गया था, एस आर राव के द्वारा खोज किया गया था। ये बंदरगाह था, पतन था, यहाँ पे डबल रियल्स मीन्स यहाँ पे एक साथ दो लोगों को दफनाया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक आइवोरी स्केल मीन्स हाथी दांत का पैमाना मीन्स एक स्केल मिला है, जिसे कुछ नापने उपने के लिए वो आइवोरी का मीन्स कि हाथी के दांत का बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपके मन के खरखाना मिले हैं, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री साइट्स मिले हैं, जो मन के लोथल है और चनहुदरो दोनों जगह आपके मन के खरखाना आपको मिलेंगे, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो खरखाना होगा मन के बनाने की, बीड्स मेकिंग खरखाना जो होगा वो चनहुदरो में होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी आपको साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ आपके लोथल और कालीबंगा ये दो ऐसे जगह हैं जहाँ से आपको फायर अल्टार्स मिले हैं, अग्नि कुंड मिले, है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और हम लोग यहाँ से चीज़ों को फिर से कवर करेंगे। अब देखिए एग्रीकल्चर लोग करते थे नहीं करते थे, तो सिंडन शब्द इस्तेमाल हुआ है फॉर द मतलब कपास के लिए, है ना, सिंडन शब्द इस्तेमाल हुआ है कपास के लिए। अलग अलग इंस्क्रिप्शन जो कि उसे मेसोपोटामिया है ये सब इंस्क्रिप्शन में सिंडन शब्द का इस्तेमाल हुआ कपास के लिए। और व्हीट सबसे पहले व्हीट जो आपका गेहूं का है वो मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जो कि आपको स्टोन एज में भी मिलेंगे, है ना, स्टोन एज में भी आपको मेहरगढ़ में, तो न्यूलिथिक साइट्स भी है, और साथ ही साथ जो आपका मेहरगढ़ है वो एक हड़प्पा स्थल के अर्ली मतलब कहने अर्ली हड़प्पा के भी वो स्थल में माना जाता है। तो एक सवाल पूछा था, है ना, सवाल पूछा है स्टेट पीसीएस में ही पूछा है कि वैसा कौन सा साइट है जो कि न्यूलिथिक साइट्स भी है साथ ही साथ वो अर्ली हड़प्पा साइट्स में भी आता है, तो वह मेहरगढ़, इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
हमें एग्रीकल्चर का साख इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे हमें प्लॉइंग फील्ड मिलता है, जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिलता है, और बनावली एक हरियाणा में जगह है जहाँ से हमें खिलौना मिलता है जो कि मिट्टी का है और वो हल बनाया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। क्लियर है, इतना आपको याद रखेंगे। हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, है ना, आगे चलेंगे। अब ये देखिए मैप है, इसमें जितने भी प्लेसेस हैं वो याद रखना है। ओके, अब देखिए देसलपुर में जो जो प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस आपको याद होगा, देसलपुर गुजरात में, रोजदी गुजरात में, रंगपुर जहाँ से आपको चावल के भूसी मिले हैं ना, चावल के भूसी मिले हैं आपके रंगपुर में, लोथल पता है, सुरकोटदा पता है, है ना। लोथल सुरकोटदा दो ऐसे स्थल हैं, लोथल सुरकोटदा दो ऐसे स्थल हैं जहाँ के जो आपके दुर्ग में सिटाडेल और आपके नगर, ये दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं ना। धौलावीरा जहाँ से आपके तीन मतलब जैसे तीन भाग में बटा हुआ है जो एक स्थल है, वो मात्र ओनली धौलावीरा है, और धौलावीरा से बहुत अच्छा आपके उच्च किस्म के जल प्रबंधन आपको देखने को मिलता है, बहुत अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो वहाँ पे है, ड्रेनेज सिस्टम वो बहुत तगड़ा तरीका का है, और वो आपका है धौलावीरा में। क्लियर है। और बनावली मैंने बता दिया कि हल्का खिलौना, और बनावली में आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ वाटर सिस्टम, मतलब कहने का तो वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो बेकार है। ओके, हो सकता है लेटर फेज में वहाँ पे ख़राब हो गया होगा। ठीक है, ये सब जगह हैं जो आपको याद रखते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। ओके, एग्जाम में पूछेगा। अभी देखिए रंगपुर, जो रंगपुर जो है ये जगह देख सकते हैं आप, आपका ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर उसके बाद ये चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो आपने कर लिया, आपके हरियाणा में बनावली है ना, हरियाणा में आपका बनावली है वो आप देख सकते हैं। ओके, रोपड़ पंजाब में है, रोपड़ पंजाब में है ना, तो ये आपको याद रखने हैं। क्लियर है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं एग्जाम में पूछेंगे, आपको आंसर आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप अगर इस वीडियो पे समय देते हैं तो रिवाइज हो जाएगा और अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चनहुदड़ो के बारे में, सिंधु नदी किनारे सिंध प्रांत में पाकिस्तान के, और यहाँ से आपके सौंदर्य प्रसादन के सामान मिले हैं, मीन्स कि आपके यहाँ पे जो भी सामान मिले हैं, जो लगता है कि यहाँ के लोग मतलब कहने का मतलब कि मेकअप वेकअप ऐसा चीज करते थे स्त्रियों के लिए, तो लिपस्टिक का भी कंघा मिला है, और मनके का खाना तो है ही यहाँ पे, है ना। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, जो कि सरस्वती नदी का पुराना ही नाम है, और ये राजस्थान में है, बीबी लाल के द्वारा 1961 में कालीबंगा का खोज किया, जैसे मैंने बताया लोथल एसा राव के द्वारा किया गया खोज, है ना। तो कुछ कुछ नाम पूछते हैं, जैसे कालीबंगा का बीबी लाल के द्वारा 1961 में इसका खोज किया। कालीबंगा फेमस है इसलिए क्योंकि यहाँ पे फायर अल्टार्स अग्निवेदी मिले हैं और जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। यहाँ पे अलग अलग घेरा हुआ है, मीन्स कि चाहे तो दुर्ग हो या नगर हो, दोनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है कालीबंगा। यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग है, यहाँ के जो रोड्स है, रोड्स में कच्ची ईंटों का प्रयोग है, कहीं के मकान में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ऊंट का कंकाल तो यहीं से मिलेगा, 100% है ना, इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है। फिर देखिए माप, यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो इस्तेमाल किया बेटिंग का, है ना, वेट करने के लिए, वो 16 के गुणज में इस्तेमाल किया है ना, 1 2 4 8 16, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भगवान को मानते थे नहीं मानते थे इसके रिगार्डिंग तो मैंने बताया, जैसे गॉड फर्टिलिटी का गॉड आपने देखा, स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, मातृ देवी की पूजा करें, साथ ही साथ आदि सुमिस पशुपति महादेव का एक सील मिला, एक मुहर मिला है जिसमें आपके पशु भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में पशुपति महादेव बैठे हुए हैं, है ना, और राइट में आपके एलिफेंट और टाइगर है, लेफ्ट में राइनो बफेलो है, और नीचे में दो डियर हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन राइट है लेफ्ट में, क्योंकि एग्जाम में पूछा है एक बार, ठीक है, तो पूछ देगा घुमा के, तो कहिएगा कि इस तरह का सवाल आएगा कि इनमें से कौन सा एनिमल आपके नहीं है, किसमें, जो पशुपति सील है उसमें, तो ऑप्शंस में आपके रहेंगे, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, ठीक है। और धौलावीरा के बारे में मैंने बता दिया, गुजरात में यहाँ पे तीन भाग में बटा हुआ है शहर, एक तो दुर्ग हो गया, बीच में एक जैसे लगता है कि स्टेडियम है, जैसे कि स्टेडियम बोल सकते, लगता है लोगों को लगता है कि नहीं ये खुला मैदान था, हॉल था असेंबली करने के लिए, है ना, तो अलग अलग चीज़ें हैं। और उच्च जल प्रबंधन मैंने बता दिया, और यहाँ पे नेम प्लेट मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो स्थल एक बहुत बड़ा मिला है जिसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं ना, लेटर्स लिखे हैं बहुत सारे, तो लोगों को लगता है कि नेम प्लेट है, ये लगता है जैसे कि कोई घर में लगाने के लिए नेम प्लेट, तो सबसे बड़ा जो लेटर वाला मिला यहीं से मिला है।
अब ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है भावी, ये भी तो मैंने बता दिया बनवाली के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे बड़े स्थल जो दो पाकिस्तान में है, गनेरीवाला और मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो और गनेरीवाला, ये दो ऐसे स्थल हैं जो कि सबसे बड़े स्थल हैं और आपके पाकिस्तान में है। फिर दो स्थल आएंगे जैसे राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये घटते क्रम में है जो कि आपका इंडिया में है। बड़े स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। ये गोल्ड कर्नाटक से मंगवाते थे, अफगानिस्तान से मंगवाते थे, पहले मैंने बता दिया है ना, लापिस लाजुली अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से टीना भी मंगवाते थे, टीना भी मंगवाते थे, कॉपर राजस्थान से मंगवाते थे, मैंने बताया पहले, ठीक है, क्षेत्रीय राजस्थान से। ओके, तो यही सब चीज़ें, एनसीईआरटी वाला भी चीज़ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का चीज़ मैं छोड़ा हूँ, पूरा क्लास 12th के एनसीईआरटी को भी मैंने यहाँ पे कवर किया और सब कुछ कवर कर दिया इस वीडियो में, तो परेशान नहीं होना, परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए और भी चीज़ें होंगी तो नहीं, अब हम एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बेसिकली आपके द्रविड़ कहलाएँ, ठीक है, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय कहलाएँ, ठीक है। तो इस बार कभी पूछ देगा तो बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं स्पीड बोल रहा हूँ लेकिन आप अगर सही से समझेंगे तो, क्योंकि लिखा हुआ सब कुछ है ना, मुझे लिखना नहीं पड़ा इसलिए मैंने पहले लिखा, ओके, इसमें बहुत टाइम लगा। वेदिकेज के बारे में पढ़ेंगे, वेदिक इसलिए बोला गया क्योंकि हमको इसके बारे में जानकारी वेद उपनिषद है ना, ब्राह्मण अरण्यक जो भी इस समय लिखे गए उनसे, उनके उस मतलब उसके माध्यम से हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है ना। हालांकि इस टाइम में नहीं लिखे गए, बाद में लिखे गए, इस समय नहीं लिखे गए एक भी वेद है ना, लेकिन जो जानकारी मिलता है हमें इस समय का जानकारी मिलता है इसी चीज़ से मिलता है ना। और एक हमें कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे कि कुछ अभिलेख मिले हैं, हालांकि इंडिया में नहीं मिले, ईरान में मिले हैं। उस अभिलेख को एशिया माइनर या बोगज कोई का अभिलेख बोलते हैं, एशिया माइनर और बोगज कोई अभिलेख में चार देवता का वर्णन, देखिए, इंद्र वरुण मित्र नतस्य। अब बोलेंगे चार देवता के बारे में क्यों बता रहे हैं, पूछा गया एग्जाम में, ठीक, इनमें से कौन गॉड का वर्णन बोगज कोई अभिलेख में नहीं है, है ना, एशिया माइनर अभिलेख में नहीं है। पहला बात ईरान में मिला, बोगज कोई नाम है, एशिया माइनर भी बोलते हैं, चार देवता का वर्णन है, ये चार देवता आपके ऋग्वेद में भी वर्णन है, है ना, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि ब्रांच ऑफ आर्यन, एक आर्यन आर्यनों का एक शाखा, आर्य का एक शाखा जो है वो ईरान से भारत में आए थे, ईरान से भारत में आए, इसी अभिलेख में वर्णन है ना, क्लियर है। दो राजा का भी वर्णन है, मिति राजा और, ठीक है, और हितनी राजा करके उनका दोनों के बीच में कुछ संधि हुआ था, दोनों लड़ाई करते थे, मिति राजा और हिति राजा दोनों लड़ाई करते थे, तो ये चार देवता का शपथ खाए थे, तो उसमें ऐसा वर्णन है, ठीक है। कसाइट अभिलेख भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वैदिक पीरियड का टाइम आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जब तक महाजनपद ना हो, है ना। दो भाग में बांटते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक इसलिए क्योंकि इसका जानकारी हमें केवल वैदिक, केवल ऋग्वेद से, ऋग्वेद चार वेद है हमारे पास, केवल ऋग्वेद है जो हमें अर्ली वैदिक का जानकारी देता है, तो इसलिए ऋग्वैदिक काल ही बोलते हैं, ठीक है। 1500 से लेकर 6000 BC। उत्तर वैदिक, यहाँ पे 1000 से लेकर 600 BC। उत्तर वैदिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे समाज में परिवर्तन, यहाँ पे एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल हमें होना स्टार्ट होता है, और आयरन का सबसे पहला बार जो खोज हुआ, सबसे पहली बार पता चलता है कि भारत में लोग आयरन यूज करते थे, यूज ऑफ आयरन अतरंजी खेड़ा से पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, अतरंजी खेड़ा से, क्लियर है, अतरंजी खेड़ा से, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखिए वैदिक एज के बारे में समझेंगे बात को पहले, हाँ, वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक एज के जो आपके निवासी हैं उनको आर्यन कहा गया है ना, उनको आर्यन कहा गया, आर्य कहा गया। तो क्या आर्य कोई कास्ट है, क्या आर्य कोई रिलीजन है, क्या आर्य कोई रेस है, मीन्स रेस मीन्स जाति प्रजाति नस्ल, तो नहीं, आर्य शब्द न रेस है या पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें रखा हो ना वो एग्जाम स्पेसिफिक है भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्य शब्द ऋग्वेद में वर्णन है, ऋग्वेद में आर शब्द का 36 टाइम वर्णन है, तो वो कोई रेस या कोई कास्ट या कोई रिलीजन के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ। आर एक लैंग्वेज, एक मतलब किसी को डिनोट करने के लिए एक भाषा सूचक शब्द है, जैसे बोलते हैं तुम बहुत तेज हो या तुम महान हो या तुम महात्मा हो, है ना, तो उस तरह से तुम आर्य हो, आर्य मीन्स तुम नोबेल मैन हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे पास ज़्यादा दिमाग है, तुम एक बहुत मतलब वो श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए, नोबेल मैन के लिए इस्तेमाल हुआ आर्य शब्द। और आर्य शब्द का पहली बार इस्तेमाल मैक्स मूलर ने किया था 1853 में आर्यन शब्द का इस्तेमाल मैक्स मूलर साहब ने किया था, और यही मैक्स मूलर साहब हैं जिन्होंने बोला था कि आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं।
आर्य का निवास स्थान, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि आर जो है आर्कटिक से आए हैं, पोलर पोलर पोल है ना, ध्रुवों से आर्कटिक से आए हैं। दयाना सरस्वती बोलते हैं कि आर जो है वो तिब्बत से आए हैं ना, HD काला एक है वो बोलते हैं कि कश्मीर से आए हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन ये तीन आपको नाम याद रखने हैं कि आर्य कहाँ से आए, ठीक है। आर्कटिक होम ऑफ ऐसे करके आर्यन उनका बुक शायद है, बीजी तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। हम लोग आते हैं वैदिक एज में थोड़ा सा आगे, ठीक है। देखिए वैदिक एज का राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम यही जानते हैं कि सबसे छोटा जो था वो था कुल, कुल परिवार से बना, मतलब कुल में से एक वंश से बना, उस जिसमें 10-15 लोग रह रहे हैं ना। फिर उसके बाद बहुत सारे फैमिली मिलके ग्राम बनाए, है ना, जिनके हेड ग्रामीणी कहलाया, कुल का हेड कुलव कहलाया, है ना, जो घर का मुखिया होता था परिवार का। और ये बहुत सारे ग्राम मिलके बीच, जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारा ग्राम मिलके पंचायत बनाता, वही बीसपति, उसके इसके हेड को बीसपति बोला गया। फिर बहुत सारे बीस मिलके जन, मैंने इस सब की चर्चा पहले कर चुका हूँ, बीस और जन का चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, मैंने बताया था कुरु, है ना, भरत, ये सब जनों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ओके, ऋग्वेद में। फिर जन, जब जन जन मिल गए तो जनपद बन गए, हाँ, हालांकि जनपद जो है वो उत्तर वैदिक काल में इस टर्म का इस्तेमाल होता है, है ना, अलग अलग जनपद, जैसे कुरु जनपद हो गया, है ना। तो इन जनपदों का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक के टाइम में होता है, बाकी ऋग वैदिक में ये जन तक ही सीमित था, जन तक ही सीमित था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। फिर राजाओं का, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो उत्तर के राजा उसको विराट बोला गया, है ना, साउथ के राजा को भोज बोला गया, और ईस्ट को राजा को सम्राट, और वेस्ट को राजा को सौराट बोला गया, ओके, बीच वाला को केवल राजा बोला गया, ऐसा है। और सबको जो जीत गया वो एकराट कहलाया, इसलिए जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना महापद्मनंद के बारे में, वो एकराट का उपाधि लिया था, चारों क्षेत्रों को जीत गया था, इसलिए वो एकराट का उपाधि लेने वाला था, है ना। एकराट का उपाधि लेने वाला कौन था आपका, तो महापद्मनंद था, क्लियर है। देखिए सामाजिक व्यवस्था तो यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है, है ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सामाजिक व्यवस्था पूरा पैट्रियार्कल है, ओके। पूरा कबीला में लोग रह रहे हैं, है ना, कबीला में लोग रह रहे हैं, मेन हेड घर का मुखिया जो है वो मतलब फादर ही है, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। और लोग कबीला में रह रहे हैं, ओके। लोगों का मेनली काम है कैटल्स, है ना, कैटल रियरिंग्स और एग्रीकल्चर ही मेन लोगों का मेन काम है, पूरा ग्रामीण व्यवस्था है, पूरा ग्रामीण व्यवस्था है। यहाँ पे समाज चार भाग में बटा है, जो कि आपका ऋग्वेद में इसका वर्णन है, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्ता का वर्णन ऋग्वेद में है कि सोसाइटी जो है चार वर्णों में डिवाइडेड है। फिर आगे जाके लेटर वैदिक में धीरे धीरे उनके कर्म, उनके काम के अकॉर्डिंग उनका कास्ट में, मतलब धीरे धीरे जाति जो प्रथा स्टार्ट होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, कि अगर वो मतलब कहने का मतलब कि अगर वो लोहा, तो लोहा का काम कर रहा है तो लोहार है, उस तरह से सोना का काम कर रहा है सुनार है, तो उस तरह से धीरे धीरे। हाँ, स्त्रियों के बारे में हम देखेंगे तो जब उत्तर, जब ऋग वैदिक चल रहा है ना, ऋग वैदिक काल स्टार्टिंग का जब टाइम पर चल रहा है, तो स्त्रियों का थोड़ा सा पोजीशन अच्छा है, क्योंकि स्त्रियों के बारे में जैसे कि ज्योतिषम बोला गया, पत्नी ही घर है, है ना। जैसे कि आप आगे देखेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में, है ना, अर्धांगनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वही इतरे ब्राह्मण देखेंगे, इतरे ब्राह्मण में बोला कि, अरे क्या हो गया, इतरे ब्राह्मण में बोला गया है कि स्त्रियां समस्त दुखों का कारण, स्त्रियां जो है वो समस्त दुखों का कारण है। तो ये सब जो आप देख सकते हैं इतरे, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों का पोजीशन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। जैसे सभा और समिति एक तरह से असेंबली था जिसमें राजा चुना जाता था, है ना, सभा और समिति का ही मेन काम था राजा को चुनना, जो मतलब उस समय के सरदार जो भी होंगे। अब जब सभा और समिति थो, इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, है ना, स्टार्टिंग में, लेकिन जब लेटर वैदिक आएगा तो महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं होगा, तो धीरे धीरे उनका स्थिति खराब हुआ। हाँ, आप देखिए कुछ ऐसे विदुषी मीन्स कुछ ऐसे मतलब विदुषी हैं जो जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को लिखा, कुछ हेम्स को लिखा, है ना, कुछ मंत्रों को लिखा, उनको, उन मंत्रों को ब्रह्मवादिनी कहा गया। और वो कौन कौन लोग हैं जो जिन्होंने लिखा, कुछ विदुषी एग्जाम में पूछा है, लोपमुद्रा जो कि अगस्त ऋषि की पत्नी थी, लोपमुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी, फिर विश्वारा नाम आएगा, सिक्ता आएगा, अपाला घोषा निवारी, ये सब जो स्त्रियाँ हैं वो इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ सूक्तों का निर्माण किया है वेदों में, तो इनका नाम हमें हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे, ठीक है। अब देखें वेद, वेद का जो संकलन किया वो महर्षि, देखिए वेद क्या है, अपौरुदेय है, अपौरुदेय मतलब कि लोग, किसी भी मनुष्य के द्वारा वेद को नहीं लिखा गया, मतलब वेद है ना जो ओरिजिनल, वेद को हम लोगों ने अपौरुदेय बोला,
वेद को हम लोगों ने श्रुति साहित्य बोला, क्योंकि जब वैदिक पीरियड चल रहा था तो लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था, क्योंकि यहाँ इस समय के हमें एक भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो बुक वुक नहीं मिला है। हमें जितने भी किताब मिले हैं महाजन पद ये सब के टाइम में लिखना स्टार्ट हुआ है ना, बहुत बाद। तो जो महर्षि वेद व्यास हैं इन्होंने सारे चीज़ों को, अब क्या है ना जनरेशन बाई जनरेशन कहानियाँ आगे बढ़ते गई, जब लिखने का ज्ञान हुआ तो उसको लिखा गया, इसलिए इसे हम श्रुति साहित्य भी बोलते हैं। और वेदों का जो संकलन करता है वो महर्षि वेद व्यास है। चार वेद हैं ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर, सामा, अथर्व। अथर्ववेद को हटा दें तो स्टार्टिंग के तीन वेद, वेद त्रयी बोला गया, ट्राइयो वेद, ट्राइयो वेद त्रयी बोला गया तीनों वेद को ध्यान में रखना है। ओके, ऋग्वेद ओल्डेस्ट, जो ऋग्वेद को जो पढ़ते थे उस समय, जो ऋग्वेद को पढ़ते थे उस समय वो होत्रा या होत्री कहलाए। कैसे याद रहेगा, री, इसमें भी री है ना, क्लियर। दस मंडल, 1028 हैम्स मीन सूक्त। ऋग्वेद टोटली डेडिकेटेड टू गॉड्स, क्योंकि इसमें सारे मंत्र हुए हैं सब, है ना। तीसरा मंडल महत्वपूर्ण है क्योंकि गायत्री मंत्र, गायत्री तीन अक्षर का है इसलिए गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में। विश्वामित्र के द्वारा ये तीसरा मंडल लिखा गया, सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है ना, सूर्य देवता का वर्णन मिलता है। नौवां मंडल सोम देवता का वर्णन है ना, सोम देवता जिसे प्लांट का गॉड बोला गया, सोम रस होता था जो कि एक नशीला या पेय पदार्थ था है ना, मादक पेय पदार्थ था, जो मंजुवत पर्वत मीन्स हिमालय का नाम उल्लेख है वहाँ से मिलता था। दसवां है पुरुष सूक्त, मीन्स की मैंने वही बता दिया है ना, सोसाइटी डिवाइडेड इनटू फोर वर्ना, क्लियर है, ठीक है। बार बार ब्लर कर रहा है क्या, ठीक है। दूसरा से सातवां मंडल को प्राचीन मंडल बोलते हैं, बोल लिखा कि इसमें प्राचीन मंडल कौन है, क्योंकि देखिए दूसरा से सातवां मंडल जो है बहुत पहले लिखा गया है ना, बहुत पहले मिला, बहुत पहले लिखा गया, इसलिए दूसरा से सातवां मंडल जो है उसको प्राचीन मंडल बोला गया और बाकी को नया मंडल बोला गया। तो एग्जाम में पूछा है कि प्राचीन मंडल कौन है, दो से लेके सात तक। दस राग युग मतलब कि पांच आर्य के राजा और पांच नन आर्यंस, जिसको हम लोग दस्युग बोले है ना। मैंने बोला कि जो नन आर्यंस थे उनको, उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ दस्युग। तो आर्य और अनार्य दोनों लड़े कि रावी नदी में, तो पुरुषी नदी के तट पे, ये सातवां मंडल में है, ये सातवां मंडल में है। और ये लड़ाई गायों के लिए, क्योंकि गाय जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसको अघन्य बोला गया। अघन्य मीन्स कि जिसको मार नहीं सकते, तो गाय सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें गाय पूजनीय भी है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यजुर्वेद जो है इसके पढ़ने वालों को अर्धवायु बोले, कैसे याद रहेगा, यहाँ देखिए है ना, यहाँ पे आप ऊपर में है, नीचे रहती है इधर, अर्धवायु कभी भी भुलाइएगा नहीं। यजुर्वेद बेसिकली आपका इसमें कर्मकांड है, यज्ञ है, बलि है, यजना, बलि, सैक्रिफाइसेस, ये सब के बारे में आपको देखने को मिलते हैं है ना, रिचुअल्स बारे में। कृष्ण वेद, यजुर्वेद को दो भाग में बांट के देखते हैं हम लोग, कृष्ण वेद और शुक्ल वेद, शुक्ल ठीक, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो कि आपका प्रोज मीन्स कि आपका गद्य में लिखा गया है, मतलब प्रोज में, और ये पोएट्री फॉर्म में लिखा गया, इसलिए शुक्र या वाजसनेयी संहिता भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया कि वाजसनेयी संहिता किसको बोलते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद को, जो कि आपका पोएट्री फॉर्म में लिखा गया है ना। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो देखिए ब्राह्मण्स क्या, ये ब्राह्मण कभी आप सुन समझिए, ब्राह्मण्स क्या, ऋग्वेद का लैंग्वेज संस्कृत था, मतलब जो वेदा थे, और वो बहुत टफ, पढ़ने में बहुत टफ है, तो पढ़ने में बहुत टफ है, तो उसको आम लोगों को समझने के लिए ब्राह्मण्स लिखे गए, अरण्यक लिखे गए, मतलब उसमें सिंपल लैंग्वेज में था, तो वो ब्राह्मण कहलाए, ठीक है। तो तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ये दो ब्राह्मण हैं, तैतीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ये दो ब्राह्मण्स हैं जो कि यजुर्वेद से संबंधित हैं, याद रखेंगे। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण आपका कौन कौन है, शतपथ और तैतरीय। एग्जाम में कितना बार पूछा है आप सोच नहीं सकते, एक घटनाचक्र बुक उठा के सारा सवाल देखिएगा, ठीक है, सारा सवाल बन जाएगा इस क्लास से। एक राजा विदेह माधव है, उसमें गौतम जो ऋषि का वर्णन है, बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, जो कि शतपथ ब्राह्मण्स के अंदर इन राजाओं का वर्णन है, जो सवाल है आप इस बात को देखिए। थोड़ा सा इनसे दृष्टि में क्या चीज़ है ना, कि पूरे परीक्षा
तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता है एंशियंट हिस्ट्री, इसलिए थोड़ा सा लगता है टफ याद करने में। सामवेद के पढ़ने वालों को उद्गाता है, क्योंकि सामवेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं, सारे गामा, तो गाने वाला उसको पढ़ने वाला भी उद्गाता ऐसे करके याद हो जाएगा, है ना। आगे आएंगे अथर्ववेदा, सबसे पॉपुलर वेद, वेद त्रय का हिस्सा नहीं है, पॉपुलर वेद, लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद करने वाला वेद, क्यों, क्योंकि ये जो वेद है इसमें जादू टोना, वशीकरण, ब्रह्म, ये सब चीजें, जादू टोना है, वशीकरण है, आयुर्वेदा है ना, आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा मैंने लिख दिया, एग्जाम में पूछा है, ठीक है, स्टेट पीसेस में आयुर्वेद सबसे पहली बार कहाँ है, तो अथर्ववेद में, मतलब इसमें इलाज है, जादू टोना है, किसी को वशीकरण कर लो, ये सब चीज़ आपको अथर्ववेदा में मिलेगा, इसलिए पॉपुलर वेद। इसके पढ़ने वालों को ब्रह्मा बोला गया है ना, ब्रह्मा बोला गया, और ये अंगिरस ऋषि द्वारा, ये अथर्व ऋषि द्वारा इसको लिखा गया था, अंगिरस ऋषि और अथर्व ऋषि के द्वारा बोला जाता है कि इसे कुछ लिखे गए। 20 चैप्टर्स इन अथर्ववेदा, 20 चैप्टर है एग्जाम में पूछा है, अथर्ववेद में 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर आपके अथर्ववेद में हैं, है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके ब्राह्मण को गोपत ब्राह्मण बोला गया, ओनली ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का है गोपत ब्राह्मण, सतपथ और तैतरीय यजुर्वेद का है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसमें बोला गया है कि सभा और समिति जो है ये प्रजापति की दो बेटियां हैं, सभा और समिति दो संस्थान हैं, दो संस्थान हैं जो निर्णय करता था हर एक चीज़ का, इसको अथर्ववेद में लिखा गया है कि ये प्रजापति की बेटी है, मीन्स की जो प्रजापति हैं, मीन्स की जो है ना, जो आपके राजा है उसकी बेटी, मतलब यही सब डिसाइड करता है। अब एक सभा और समिति दो अलग अलग संस्थान हैं, जो सभा था उसमें इलाइट ग्रुप, मतलब उसमें बड़े बड़े लोग भाग लेते थे, और समिति था जो कॉमन लोगों के लिए था, है दो इंस्टीट्यूशन से दो असेंबलीज हैं जिनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपके वेदा वेद आपके ऋग्वेद में इस्तेमाल हुए हैं ना, और उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वेदांग की संख्या कितने हैं, 6 वेदांग है, पुराण की संख्या 18 है, वेदांग 6 पुराण की संख्या 18 है, वेदांग 6 पुराण की संख्या 18 है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस बात को अब देखिए, आगे हम लोग थोड़ा सा चलते फिर इसको वापस में आएंगे, है ना। उपनिषद, उपनिषद जो है इसका मतलब होता है उप, मतलब समीप, नज़दीक में, नियर सीट, बैठना, मतलब एक गुरु है उसके बगल में नीचे बैठ के जो ज्ञान दिया गया है ना, वो उपनिषद कहलाया। उपनिषद में कुछ नहीं है, आत्मा है ना, जीवन मरण, मरने के बाद क्या जीवन होगा, आत्मा, ब्रह्मा है ना, यूनिवर्सल सॉल, इंडिविजुअल सॉल, ये सब का वर्णन है, फिलोसॉफी है, दर्शन है। बोलते भारतीय दर्शन का जो स्रोत है वो आपका कहाँ से मिलेगा, उपनिषद से मिलेगा। उपनिषद क्या है, बेसिकली फिलोसॉफी है ना। अब इस ये जितनी भी उपनिषद हैं सबसे एग्जाम में पूछा है, और सब महत्वपूर्ण, यही रिपीट करेगा, कुछ नहीं करेगा। मुक्तिका उपनिषद, मुक्तिका उपनिषद कहता है कि 108 उपनिषद है, इसमें वर्णन 108 उपनिषद का, ठीक है। ओके, मुंडक उपनिषद जहाँ सतमेय जो थे, कठो उपनिषद जहाँ से यम और नचिकेता दोनों के बीच में डायलॉग, बिटवीन यम एंड नचिकेता, कहाँ, कठो उपनिषद, सतमेय जो थे मुंडक उपनिषद, तमसो माँ ज्योतिर्गम है वो बृहद अरण्यक उपनिषद, और सत्यकाम जावाला, ये एक यंग बोल सकते हैं मैन है, जो कि अनमैरिड मदर्स के ऊपर इन्होंने कमेंट किया है, कि उसके ऊपर, मतलब ये छंदोगो उपनिषद में सत्यकाम जवाला नाम के एक व्यक्ति का वर्णन है, जो कि पूछा गया है एग्जाम में, है ना। ये देखो, ये पूरा स्लाइड जो बनाया गया वो प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाया गया है, तो इसको आप नकार नहीं सकते, अच्छे तरीके से देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी सवाल आएगा आराम से बनाइए, ठीक है। छंदोगो उपनिषद सत्यकाम जवाला के द्वारा, ओके, क्लियर है, आगे चलेंगे। देखिए, ये सवाल तो मैंने पढ़ाया था आपको एनसीईआरटी क्लास 6 कि ब्यास और सतलज ये दो नदी का वर्णन, ये दो नदी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जो जिसमें विश्वामित्र जो हैं वो इन दो नदियों से वार्तालाप करेंगे। हे नदी, तुम बछड़ों की तरह दमकती हुई आ रही हो अपने, मतलब पानी का तुम पूरा लेवल जो तुम्हारा है, प्लीज पानी को तुम थोड़ा सा कम कर दो लेवल को, हम अपनी घोड़ों को पार करना चाहते हैं, ऐसा वर्णन है। तो ये आपका व्यास और सतलज का, ठीक है। अब हमने नदी का सवाल इसलिए डाला क्योंकि अब सारे नदियों का जो आपका पुराना नाम है वो आपको याद रखना है। सिंधु का नाम सिंधु है, सिंधु घाटी से सिंधु का नाम सिंधु ही है, ठीक है, सिंध है। वितस्ता झेलम का है ना, वितस्ता झेलम का नाम पुराना नाम है।
अस्किनी चिनाव का है, अस्किनी चिनाव का है, ओके। विपासा ब्यास का है, ब्यास से विपासा। पुरुषनी राबी ने, राबी का जिस जहाँ पे दशराथ युग लड़ा गया। सुतुद्री सतलज का। सरस्वती का देवात्मा नदीतमा है ना, सरस्वती नदी को पवित्र माना गया इसलिए देवात्मा नदीतमा ये सारे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। दृष्टवादी ये आपका घग्गर नदी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। कुंभा काबुल में नदी के लिए। सुवास्तु सवास्ती के लिए। कुरुम कुर्रम के लिए। गोमती गोमल के लिए, ओके। यमुना का 3 बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार उल्लेख है, सब सर्वाधिक उल्लेख आपका सिंधु नदी का है, सबसे पवित्र आपका सरस्वती नदी है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए है ना, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इतना ही स्लाइड है आपको पूरा, ये 3 चैप्टर से कोई भी सवाल आप बना के देखो बन जाएगा। हार्डली सर लेकर 2 सवाल ऐसा सवाल होगा जो इट में भी नया बनाए तो अलग है, लेकिन आप आराम से उत्तर कर पाएंगे इन सारे सवालों का। जैसे देख रहे हैं ये स्लाइड मैंने हिस्ट्री मैराथन जो तैयार कर रहे हैं उससे मैंने लिया है। हिस्ट्री मैराथन आएगा वो बहुत बड़ा होगा और बहुत मज़ा आएगा उसमें पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो पॉलिटी के ऊपर होगा, जो हमने पॉलिटी में आपको दिया उसको भी हम लोग इस तरह से कॉन्साइज करके पढ़ेंगे है ना। और ये सारे एग्जाम के लिए जरूरी है, नॉट फॉर BPSC 70, सारे एग्जाम जितना भी एग्जाम होगा सब के लिए सारे बहुत महत्वपूर्ण होंगे है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।